वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल कयूम साहब, जो कि माहिर तालीम हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। तो एजुकेशन के हवाले से और करियर काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग के हवाले से हम इनसे मालूमात लेते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको हम प्रोग्राम में शामिल कहते हैं। आपको 6 मंथ, आप क्योंकि एक माहिर तालीम हैं, तालीम का 6 महीने का ब्रेक एक माहिर तालीम के नज़दीक क्या होता है? बहुत शुक्रिया। ये देखिए, इस वक्त तक पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह पेंडेमिक ने सिस्टम को इफेक्ट किया है, उस तरह हमारे पूरे सिस्टम को भी इफेक्ट किया और एजुकेशन सिस्टम को बतौर खास। हमारे बच्चे जो है घरों के अंदर लॉकडाउन में चले गए और पेरेंट्स चले गए, बिजनेसमैन चले गए, लेकिन उनके रवैयों के अंदर बहुत हमने स्टडी की, जिसके अंदर चिड़चिड़ापन आया और उनके अंदर अग्रेसिवनेस आई, स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ी। तो अभी पेंडेमिक की वेव्स जो हैं वो अप एंड डाउन, अल्लाह का एक खास करम है कि अल्लाह ने हम पे बहुत करम किया, लेकिन इसमें इस आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो रवैये हैं वो इस पूरे पेंडेमिक के दौरान जितने रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए उतने नहीं अनफॉर्चुनेट थे हमारे। इस देखें, जब भी कोई आफत आती है तो अल्लाह ताला के अहकाम भी मौजूद हैं, हदीस मुबारक भी मौजूद हैं, तो इसमें पेरेंट्स को, टीचर्स को और पर्टिकुलरली यूथ जो है, स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, दे हैव टू बी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और जो आज कितनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी आपने? ये देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त आप खड़े हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में लीड ली है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल तक, लेकिन ये देखें, अकेला इंस्टीट्यूशंस का काम नहीं है, हर शख्स को रिस्पॉन्सिबल होना है। और पेरेंट्स जब घर से बच्चा आता है तो वो इंश्योर करें कि बच्चे ने मास्क पहना हुआ है, वो इंश्योर करें कि एक एक बाइक के ऊपर चार चार लोग। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ खुशकिस्मती ये है कि ये बहुत बड़ी जामे है और यहाँ पर कनालों की और अराजी है, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। हम ये भी देखते हैं कि एक एक जो डिपार्टमेंट है वो भी बहुत बड़ी बड़ी अराजी पर मुहित है, लेकिन वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके हवाले से हमारे यहाँ 5-5, 10-10 मरले के स्कूल्स भी हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगे कि वहाँ पर क्या एसओपी होने चाहिए, वहाँ पर क्या एहतियात होनी चाहिए? देखें, उसका सिर्फ इस वक्त जो हल है वो है वो ऑनलाइन, जो उसका स्मार्ट हल है। दूसरा ये है कि हमारे पास अब टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया हुआ है, बच्चों का ऑलरेडी टाइम बहुत वेस्ट हो गया, तो सिलेबाय जो है वो इस टाइम ड्यूरेशन को सामने रख के रिड्यूस किया जाए। जितना किया है वो, जितना काम किया है वो अभी तक इस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अभी भी वो ज़्यादा है, तो इस एक तो उसको कम किया जाए, तीसरा ऑनलाइन की तरफ जाया जाए, चौथा ये है कि अल्टरनेट की तरफ जाया जाए, कि बच्चों को आप एक जितनी कैपेसिटी है, देखिए कमरे तो बड़े कर नहीं सकते, तो उसके अंदर जो है वो 3 फुट का जो डिस्टेंस के अंदर जितने बच्चे आ सकते हैं उनको शिफ्टों में बुलाया जाए। फर्स्ट सेकेंड हमारा ये 1 बजे के बाद स्कूल फारग हो जाते हैं, तो वाई नॉट इट शुड बी आफ्टरनून इन द इवनिंग इन द नाइट एज वेल, तो 4 शिफ्टें बनाई जाएँ, तो उसके अंदर हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, जामियात के अंदर, स्कूल कॉलेजेस के अंदर जिम्मेदारी जो है इंस्टीट्यूट की है, लेकिन जो बाहर रश लगता है, आपने देखा स्कूल के बाहर छुट्टी के टाइम, कॉलेज के बाहर या फिर किसी यूनिवर्सिटी के बाहर, वो किसकी जिम्मेदारी है, वो रश को शटर करना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, ये देखें, कॉम में जो हैं ये इंडिविजुअल्स की अपनी जिम्मेदारी है पहले नंबर पर, और हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना होगा। हम देखें, यही हमारा रवैया, यहाँ पर हम इशारे की खिलाफ वर्जी करते हैं, हम मोटरवे पे जाके हम ठीक हो जाते हैं। एक तो गवर्नमेंट को एक सिस्टम बना देना चाहिए, एसओपीज को स्ट्रिक्टली वहाँ पर फॉलो किया जाए, इंस्टीट्यूशन के अब को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि वो अपने इंस्टीट्यूशन के इतने रेडियस के अंदर वो इस तरह की कोई भी गैदरिंग हो तो वो उनकी सिक्योरिटी एक्शन लें। देखिए, गवर्नमेंट अकेले सारे काम नहीं कर सकती, लेकिन गवर्नमेंट की अम्ब्रेला पॉलिसीज़ के अंदर रहते हुए उन एसओपीज को इंप्लीमेंट करवाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट आगे इंस्टीट्यूशन के जिम्मे लगाए कि उसके प्रेमिसेस और उसके सराउंडिंग के अंदर जो उस एसओपी को फॉलो ना करे वो स्ट्रिक्ट एक्शन लें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आज के प्रोग्राम में हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे हैं कि जामा पंजाब में इस वक्त छुट्टी हो चुकी है और
ये जिम्मेदारी जिस तरह के प्रोफेसर साहब ने कहा कि हर इंफरादी शख्स की भी है, रजाकाराना तौर पर कवानीन की पासदारी करना, कवानीन को अपनाना, कवानीन को फॉलो करना, ये हर इंडिविजुअल शहरी की जिम्मेदारी है। तो जहाँ पर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आपको SOP के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए आपको ट्रेन किया जाए, वहीं आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी अपने लिए जिम्मेदारी जो है वो अपनाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और इसके अलावा बार बार हाथ धोएं, क्योंकि कोरोना कम हो गया है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, एहतियात अभी भी लाजमी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।